चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां यूट्यूबर एल्विश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो लोगों से पूछताछ की है, विनय यादव और ईश्वर यादव से ईडी ने की पूछताछ। तो पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की आशंका है। ईडी एल्विश पर लगे आरोपों की जानकारी जुटा रही है। संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी एक बार फिर मुश्किलों में एल्विश यादव? बिल्कुल, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद अब जांच शुरू कर दी है। जो पीएफए के दो सदस्य हैं गौरव और सौरव गुप्ता, इन दोनों से तमाम सबूत लेने के साथ साथ तकरीबन दो घंटे की पूछताछ ईडी ने की। और जिस तरीके के आरोप एल्विश यादव के ऊपर लगाए गए थे, जिस मामले में उसको नोएडा पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था, उन तमाम मामलों से जुड़ी पूछताछ की गई है। और जो सबूत इन लोगों के पास थे वो सबूत भी लिए गए हैं। साथ ही साथ सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस पूछताछ के दौरान एल्विश यादव उनकी रैकी कर रहा है, उनके घर और आसपास के इलाकों में अपनी गाड़ियों में सवार होकर आता है। उसी को लेकर कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मुहैया कर रही है। नोएडा पुलिस के साथ साथ गाजियाबाद पुलिस को लिखित शिकायत देकर एल्विश यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो सौरव और गौरव गुप्ता का पीछा करने के मामले में भी एक और एफआईआर आज या कल एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज हो सकती है। पिछले दिनों विनय यादव और ईश्वर यादव से भी ईडी ने पूछताछ की है। इनकी पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया अभी तक कोई जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कई बड़े खुलासे होने की आशंका? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं उन्हीं आरोपों को लेकर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। क्योंकि एल्विश यादव के साथ में कई लोगों का नाम और भी जुड़ा था, उनसे भी आने वाले दिनों में पूछताछ होगी। और अभी की पूछताछ में भी कई अहम जानकारी ईडी को मिली है। ईडी अधिकारियों जो सूत्र है उसके मुताबिक जो आरोप लगाए गए थे, दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टियों का आयोजन करना, वहां पर तमाम नशे के नशीले पदार्थ रखने, सांपों का इस्तेमाल करना, उनके जहर का इस्तेमाल करना, तो इस जहर को किस रेट में बेचा जाता था, कहां से उसको लाया जाता था और उसके लिए पैसा किस माध्यम से लिया जाता था, किसी कंपनी में पैसा लेते थे या किस किस तरीके से पैसे का खेल होता था, तो मनी ट्रेल को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब तलाशती हुई नजर आ रही है। और नोएडा पुलिस की जो जांच इस पूरे मामले में हुई थी, जो चार्जशीट नोएडा पुलिस ने कोर्ट में दर्ज की, उस चार्जशीट की कॉपी भी एक या दो दिन में लेगी और चार्जशीट के आधार पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, और किस तरह से अब जानकारी जुटाई जाती है और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है देखना होगा। फिलहाल अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।